हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा बाईपास वाई जंक्शन पर। और आपको बता दें, आज जो है मुमरा बाईपास पर एक सर्विस रोड का गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने जो है इसके काम का जो है नारियल फोड़कर जो है उद्घाटन किया है। ये सर्विस रोड जो है मुमरा बाईपास वाई जंक्शन से लेकर जो है ये जो रशीद कंपाउंड का जो नीचे का मुमरा बाईपास से टनल है वहाँ तक ये सर्विस रोड का जो है काम जो शुरू कर किया जाएगा। आज नारियल फोड़कर मंत्री गृह निर्माण जितेंद्र आव्हाड ने इसका जो है ओपनिंग किया। और इसी तरह से जो रशीद कंपाउंड मुमरा बाईपास से जो दूसरे तरफ का जो इलाका है रशीद कंपाउंड का, वहां भी जो है इसी तरह का जो है सर्विस रोड का जो है नारियल फोड़कर वहां भी उद्घाटन किया गया है। और इस उद्घाटन के मौके पर गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड और जो समाज सेवक रेहान पीतलवाला ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। ट्रैफिक की बहुत सारी समस्या दूर होगी। मैं जब यहाँ पे आमदार बन के आया था तो रशीद मुल्ला कंपाउंड में जाने के लिए एक ही रास्ता था। आज अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि दोनों बाजू से आज हम सर्विस रोड दे रहे हैं, और वो भी कंक्रीट का सर्विस रोड दे रहे हैं। इसका अहम महत्व रहेगा और उसका फ़ायदा भी होगा। MMRDA की निस्बत से दोनों साइड के सर्विस रोड, जो हमारा ये मुमरा बाईपास है, इसके दोनों साइड के सर्विस रोड की आज MMRDA की तरफ से ओपनिंग करी गई। ये काम काफ़ी दिनों से मैं इसका फॉलोअप ले रहा था, लेकिन थोड़ा सा स्कोप को लेके इसके अंदर कन्फ्लिक्ट था कि TMC के स्कोप में है या MMRDA के स्कोप में है। जैसे कि मेरा रशीद कंपाउंड देवरीपाड़ा जुबली पार्क का जो पॉपुलेशन का डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, 30,000 से 40,000 लोगों का डेंसिटी था, और ये रोड की बहुत ज़्यादा जायज़ ज़रूरत थी। तो गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब से रिक्वेस्ट करके उन्होंने हमारे TMC कमिश्नर, MMRDA कमिश्नर से रिक्वेस्ट करके इसको तुरंत काम फ्लोर पे लेकर आया। आज इस काम की ओपनिंग हो गई और इंशाल्लाह महीने भर के अंदर अल्लाह ने चाहा तो ये काम हम हमारी जनता के लिए, हमारी रशीद कंपाउंड की आवाम के लिए शुरू कर देंगे। दोनों तरफ है ये रोड, ये फिलवक को जो पहला फेज है यहाँ से शुरू हो रहा है, और सेकेंड फेज में ये मेन रोड से जो मुमरा कौसा चील का जो मेन रोड है, ये मेन रोड से जो मेरा एग्जिस्टिंग रोड है रशीद कंपाउंड का अंदर वाला बिस्मिल्लाह टावर, जो मेरी ऑफिस का अशरफिया मस्जिद का रोड है, ये उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा, और फिर तीसरे फेज में ये आगे जाके अंदर सैनिक नगर चला जाएगा। रहन भाई, ऐसा भी बात सामने आ रही, शहर के लोगों का कहना है कि ये जो सर्विस रोड बनाया जा रहा है जी, ये किसी बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया जा, देखिए ये सर्विस रोड का जो प्लान था ये आज से नहीं, जब से MMRDA का जो हमारा लेआउट बना बाईपास का, ये तब से है। और इसकी लड़ाई आज मैं 4 साल 3 साल से लगभग लड़ रहा हूँ कि हमारी डेंसिटी और पॉपुलेशन इतनी थी, और रशीद कंपाउंड का जो मेन एंट्रेंस है जो कि पेट्रोल पंप से है वो काफ़ी छोटा हो चुका है। अगर अल्लाह ना करे, हमारे इधर पे आज कुछ पुरानी बिल्डिंगें भी है 30-30 साल पुरानी जो थोड़ी सी ख़राब कंडीशन में है, तो अल्लाह ना करे अगर कुछ हादसा हो जाते हैं, जैसा आगजनी हो जाती है या जिस तरीके से किसी बिल्डिंग में अंगार लग जाए, तो फायर ब्रिगेड के लिए आने के लिए रास्ता, बड़ी गाड़ियों के आने का रास्ता नहीं है। तो आज हमारे पास ये सर्विस रोड के अलावा ऑप्शन नहीं है, और रास्ता है तो वो सारों के काम में आएगा इंशाल्लाह, हमारे लोगों के काम में आएगा, हमारी आवाम के काम में आएगा, और जितना भी डेवलपमेंट वर्क है देवरीपाड़ा से लेके जुबली पार्क तक के, ये सारे के काम में आएगा। और इसका फॉलोअप मैं आज 4 साल से ले रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का करोड़ एहसान है, परवरदिगार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज गृह निर्माण मंत्री आव्हाड साहब के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से आज ये रास्ते का काम शुरू हो गया। भाई, जो सर्विस रोड बनाया गया है, इसकी देखिए, आज ये सर्विस रोड का उद्घाटन हमारे नेता हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के हाथों से अमल में लाया गया। उलमाए कराम के दुआओं के साथ इसका अफ्तिताह हुआ, और हमारे नगर सेवक रेहान भाई पीतलवाला, जिनकी पूरी कोशिश, बार बार रेहान भाई ने मंत्री महोदय से बात करते रहे और मंत्री महोदय ने MMRDA से बात करते रहे, 10 मीटर चौड़ा और
वाई जंक्शन से लेकर के इसकी एंडिंग बिस्मिल्ला टावर तक है। हम फर्स्ट फेज जहाँ खड़े हुए हैं इस तरीके से, इसके उस तरफ भी यानी रोड के दोनों तरफ ये रास्ते का काम चालू हो चुका है। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला ये रास्ता बन जाएगा। आज हम जहाँ खड़े हैं इस्लामुद्दीन साहब, मुझे याद आता है कि ये रोड कभी इस पोजीशन में था कि यहाँ से अगर गुजरना हो बारिश के टाइम पे तो गाड़ियों को यहाँ खड़ा करना पड़ता था जहान भाई, अगर मुझे याद है तो। और यहाँ से वॉकिंग हो गया परवेज भाई, मेघरानी साहब यहीं रहते हैं वार्ड के अंदर, हमारे कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, माफ़ कीजिएगा जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये यहीं रहते थे। और आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन रोड, इतना अच्छा काम, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ रेहान भाई बीतल वाले को और ख़ास करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वास साहब को कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा चौथा के अंदर जो डेवलपमेंट के कुछ काम रुके हुए थे वो सब काम आहिस्ता आहिस्ता चालू हो गया है और बहुत जल्द ये रोड जो आपने अभी दिखाया है, जो मंत्री जी ने ओपनिंग किया है, ये स्टार्ट हो जाएगा।